घर में सब कैसे हैं और काम कैसा चल रहा है? आरफा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बात मेरे और मेहर अली भाई के दरमियान हो रही थी ना, तो तुम क्यों आई वहां पे? किसकी इजाजत से इतनी बड़ी बात कही तुमने उनको? तुम्हारे फायदे की बात कर रही थी मैं, कितना बड़ा नुकसान किया तुमने अपना, जानती हो तुम? मामा, ऐसे फायदों के लिए तो सारी जिंदगी लगी रही है, क्या हासिल हुआ? हमारे अब्बा मामू जितने दौलतमंद नहीं थे, ना ही इतने बड़े जागीरदार थे, लेकिन कम से कम इतना सब कुछ जरूर छोड़ के गए कि हम इज्जत से सर उठाकर जी सकें। लेकिन आपने तो इज्जत से जीना सिखाया ही नहीं है, हम तो जैसे भिखारी बनकर जीते रहे, और ऐसा भिखारी कि खैरात ना मिले तो छीन कर लेने पर यकीन रख। हाथ में रहो तुम अपनी, बोल रही हूँ ना तो आज बोल लेने दे मुझे भी, मुझे भी अपना दिल का बोझ हल्का करने दे आज। अपनी जानती कि सारी जिंदगी इस झूठ के बीच में गुजारना कितना मुश्किल है, पर मैंने तो सारी जिंदगी इस घर में गुजार, आपके दो चेहरे देखे, वो चाहे मेहर अली मामू हो या सनोबर खान, दिल में बुगज और कीना नहीं, मुंह पे मुस्कुराहट सजाए मिलती रही। यहाँ मुंह देखे की खैर ख्वाह और पीठ पीछे दुश्मन बनी रही है, माँ बाप के ऐसे रवैये औलाद को अंधा कर देते, फिर वो दुनिया को दुरुस्त तरीके से देखने के काबिल नहीं रहते, और यही हुआ इसका किस्सा। इतनी नफरत, इतना गुस्सा कैसे भर गया उसके अंदर, कभी सोचा है आपने? ना मिले तो छीन लो, इसी उसूल की वजह से अल्तमश को रुतबा से छीन लिया है उसने, पर क्या मिला उसका? तमश आज भी रुतबा का है और अस्का अपने ही लगाए हुए जख्म को चाट रही। अच्छा बस, बहुत होगी तुम्हारी बकवास, मुझसे ना एक लफ्ज और मत कहो, इस घर से जाना रही होती तो मेरा हाथ उठ जाना था। चेहरा अच्छा ना लगे ना तो आईना तोड़ने का दिल करता है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये कि कसूर किसका है, आईने का या चेहरे का? मैं जा रही, इसीलिए पहली और आखिरी मरतबा इतनी तल्ख बातें करने की हिम्मत की है। आप माँ है मेरी, आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन जब भी अपने चारों तरफ देखती हो सख्त धूप के सिवा कुछ नजर नहीं, और तब साए का और नीचाओं का मतलब समझ आता है। मेहर अली मां, जो उम्र भर नीचाओं बनकर रहे हम सबके लिए, कसम खुदा की मामा, उन्हें देखकर समझ आता कि इज्जत और एहतराम के मायने की